खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। गृह मंत्रालय ने पंजाब के सरहदी जिलों के किसानों पर लगाया यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों को नशे का आदि और बंधक बनाकर काम कराने का आरोप। पंजाब के मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा। गृह मंत्रालय की चिट्ठी को लेकर पंजाब में सियासत तेज। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय के आरोपों को नकारा, कहा प्रदेश के किसानों को बदनाम करने पर तुला है केंद्र। पंजाब में नेता विपक्ष हरपाल चीमा ने कैप्टन सरकार पर साधा निशाना, बोले चार साल में पंजाब सरकार ने एक भी वादा नहीं किया पूरा, कहा 2022 में जनता सिखाएगी सबक। ২০২২ की जंग के लिए शिरोमणि अकाली दल ने अपने एक और उम्मीदवार का किया ऐलान। अटारी रैली के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने गुलजार सिंह राणीके को अटारी हलके से घोषित किया कैंडिडेट। शिरोमणि अकाली दल ने डीएसजीएमसी चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 25 अप्रैल को होगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लिए चुनाव। पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक का लुधियाना में हुआ विरोध। लाडोवाल टोल प्लाजा पर श्वेत मलिक को दिखाए गए काले झंडे। यूपी जाने से बचने की कोशिश में यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट से झटका। स्वास्थ्य का हवाला देकर मेडिकल बोर्ड बनाने की मुख्तार अंसारी की याचिका को अदालत ने किया खारिज। पंजाब में बढ़ते कोरोना के मामले पर प्रदेश सरकार ने जाहिर की चिंता। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने लोगों से सावधानी बरतने और कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक, बोले दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन पर विचार नहीं। नमस्कार, पंजाब डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब डिबेट में आज हम बात करेंगे प्रदेश में गर्मा रहे अवैध माइनिंग के मुद्दे की। दरअसल कैप्टन सरकार ने पंजाब में अवैध खनन और खनन माफिया पे नकेल कसने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विंग का गठन किया है। अब सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब में अवैध माइनिंग का मुद्दा सरगर्म हो रहा है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि चार साल में प्रदेश सरकार पंजाब से माफिया राज आखिर खत्म क्यों नहीं कर सकी है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि चार साल में तो कैप्टन सरकार ना तो अवैध खनन को रोक सकी और ना ही खनन माफिया पर नकेल कस सकी है, तो अब वो क्या कर सकेगी। अब विपक्ष सरकार के फैसले को चुनावी स्टंट बता रहा है, तो सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए इसको प्रभावी कदम करार दे रही है। पंजाब डिबेट में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर पंजाब में अवैध खनन को क्या रोका जा सका है, चार साल में प्रदेश में माफिया राज पर आखिर कितनी नकेल कसी जा सकी है और क्या 2022 में भी अवैध खनन और माफिया राज एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है।
तो पंजाब में अवैध माइनिंग पर गठित की गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट विंग पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच में प्रदेश में अवैध खनन को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रदेश की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब में अवैध खनन के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अवैध माइनिंग पर नकेल कसने के लिए पंजाब सरकार ने एडीजीपी रैंक के अधिकारी आरएन ढोके की अगुवाई में प्रवर्तन निदेशालय विंग का गठन किया है। ईडी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर खनिजों की अवैध आवाजाही पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। खनन विभाग के अधिकारी भी इस कार्रवाई में ईडी का सहयोग देंगे। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ खनन और खनिज एक्ट 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जल स्रोत विभाग के खनन विंग के साथ ईडी का तालमेल रहेगा और ईडी सुनिश्चित करेगी कि रेत और बजरी का कारोबार कर रहे लोग खनन नीति में दिखाई गई बिक्री कीमत से अधिक की वसूली न करें। पंजाब के 12 जिले मोहाली, रोपड़, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, नवांशहर, जलंधर, फिरोजपुर, संगरूर और बठिंडा में अवैध खनन पर नकेल को लेकर खास नजर रहेगी। अवैध खनन को रोकने और खनन माफिया पर नकेल कसने के खिलाफ पंजाब सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है। हम चाहेंगे कि नवाज शहर में जो माइनिंग यहाँ पे हो रही है तो उसमें जो लीगल माइनिंग एब्सोल्युटली उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और जो कहीं पर भी कोई इलीगल माइनिंग ना हो, तो इलीगल माइनिंग ना हो इसलिए मैंने सारे ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग करके उनको मैंने आदेश दिए कि किसी भी तरह का कोई किसी तरह की कंप्लेंट हमें ना आए कि जहाँ पर कोई इलीगल माइनिंग हो रही हो और किसी नाजायज को कोई तंग ना करे, लेकिन इफेक्टिवली ऑन ग्राउंड पुलिसिंग हो इसके मामले में। पंजाब सरकार और कांग्रेस के नेता भले ही पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इस कदम को सिर्फ चुनावी स्टंट बता रहा है। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल प्रदेश सरकार पर खनन माफिया समेत हर तरह के माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। माफिया के साथ सरकार की साठ गांठ के आरोप विपक्ष लगा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों को खारिज किया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिहड़ा, वो साफ सुथरे अक्स के मालिक ने। उन्होंने माइनिंग से चाहे लैंड माफिया हो सैंड माफिया हर एक ते शिकंजा कसिया, तो वो कमेटियां भी बनाईया ने। बड़ी सख्ती सरकार कर ली है माइनिंग माफिए ते, ते माइनिंग माफिया बिल्कुल नहीं पंजाब चाहुण दे। की कैप्टन सरकार चार साल तो सुती पई सी, सवा चार साल सरकार बनी हो गई, उस टाइम नहीं उन्होंने पता मैंने चलती है मैं बड़ा रौला पाया, बहुत कुछ होया भी है उत्थे, पर ये कहते मैनिंग हो नहीं रही है। पर अज कैप्टन सरकार मान चुकी है कि नजायज माइनिंग हो रही है, वाकई हो रही है। अज इन्हों इस करके जरूरत पैगी, सुते पे सी चार साल पहला कि जो लोगों ने रौला पाया, धरने लगे लोगों के पूरे रोपड़ के, अज ये उठे है। अज एक अफसर के कोल वड्डी बागडोर दी है भी देखो जिहड़ी नजायज माइनिंग है रोकनी हैगी है। चार साल सरकार ने क्यों नहीं रोकी हैगी? बड़ा रौला पाया, असी भी पाया, लोगों ने भी पाया, इलाके के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिता इस चीज़ में। पर हुण कैप्टन साहब अज मन चुकी है कि वाकई उत्थे नजायज माइनिंग हो रही है। कैप्टन साहब ने अपने मुँहों मन गए, असी तो पहला असी कहिंदे सी कि नजायज माइनिंग होंदी है, उस टाइम नहीं मन्ने हे। अज जो इन्होंने कैबिनेट में अफसर लाए है, बड़े लैवल के अफसर लाए है, जहाँ जरूरत पई है भी उत्थे नजायज माइनिंग हो रही है, तो मन तो चुकी है सरकार। जिहड़ा लोग कहिंदे थे, असी कहिंदे सी, साडी पार्टी कहिंदी सी, जां इलाके दे लोग जिहड़े जिले दे लोग कहिंदे सी, अज सरकार मन चुकी है। इस करके सरकार ही इहदे विच भागीदार है। जिहड़े पर्चे होने चाहिए, सरकार नूं सारा पता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जिहड़े है वह माइनिंग करा रहे हैं, माइनिंग करते हैं। इस करके कोई लुकिया छुपया भी नहीं है, लोगों को सारा कुछ पता है कि रेत माफिया मैं खत्म करांगा। पहले तो दो साल तुसीं कुंभकरण बन के महल ही सुते रहे, तुहानूं रेत माफिया नूं खुलियां छुट्टियां देतियां, अफसरां नूं गल पाओ, अफसरां नूं कुट्टो मारो, जिहड़े अफसर रोकण जांदे सीगे, जिहड़े विधायक जांदे सी उहनां दीआं पग्गां ला दिओ। ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਓ ਹੋ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਜੇਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ,
और टोटल पंजाब रेत माफिया का गुलाम हो गया, पंजाब नू खड्डा दे विच तब्दील कर दिता। और मजाक अज कर रहे हो, मतलब इन्हां निर्लज लोगों नू शर्म ही नहीं आती। अज पंजे साल आ गए कहते ने मैं रेत माफिया दे SIT बना रहा। पंजाब में पिछले करीब दो दशकों से हर सियासी दल और हर सरकार में अवैध खनन कराने और खनन माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगे। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध खनन और खनन माफिया बड़ा मुद्दा था। बड़ा सवाल ये है, क्या अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए बनाई गई ED कारगर साबित होगी? क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अवैध खनन और खनन माफिया के मुद्दे पर विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए कैप्टन सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। तो चलिए, इस रिपोर्ट में आपने देख लिया कि किस तरीके से अवैध खनन को लेकर के समय पंजाब की जो राजनीति है गरमाई हुई है, और आज पंजाब डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आज की पंजाब डिबेट के कुछ सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यही है कि क्या पंजाब में अवैध माइनिंग पर नकेल के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विंग का गठन प्रदेश सरकार का सही दिशा में लिया गया फैसला है, क्योंकि विपक्ष ने इस पर कैसे आरोप उठाए हैं ये आप अभी सुन रहे थे, इस रिपोर्ट के अंदर भी आपने देखा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या पंजाब में खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण का आरोप जो लगाया गया विपक्ष की तरफ से वो सही है? तीसरा सवाल यह है कि पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अवैध खनन और माइनिंग क्या एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? तो ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और आज इन्हीं अहम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे पंजाब डिबेट के अंदर। तो पंजाब में जो अवैध खनन है और उसको लेकर के जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विंग का गठन किया गया है, इसको लेकर के उठ रहे सवाल कितने जायज हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। और दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रीतपाल सिंह जी बालियावाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रीतपाल सिंह बालियावाल जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और गुरप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। गुरप्रीत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रीतपाल जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विंग का जो गठन किया गया अवैध माइनिंग्स को रोकने के लिए, इसको लेकर के विपक्ष बहुत सवाल खड़े कर रहा है, और पिछले चार साल का भी वो हवाला दे रहा है कि पिछले चार साल में आप जो नहीं कर पाए वो अब एक साल जो बचा उसमें आप कैसे करेंगे? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष तो कुछ कहेगा ही, अगर बोलेगा नहीं तो फिर बेचारों को सुनेगा कौन। विपक्ष का काम है तीखा टिप्पणी करनी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। इसी के साथ सरकार को भी पता लगता रहता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, हमने कल परसों वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित करके ED बना दी है, और हमारे ADGP हैं RN धोके साहब, उनको इसका हेड बनाया गया है, और प्रॉपर इस पे मॉनिटरिंग करने की कोशिश दोबारा से करेंगे। इसमें मैं कोई गलत बात नहीं करता, क्योंकि जो ठीक होगा उसे ठीक को ठीक बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। माइनिंग इशू था, हमारे लिए भी था, क्योंकि 10 साल की पिछली जो सरकार थी उसमें माइनिंग माफिया नाम का एक शब्द यूज होता था, जिसने लूट के खा लिया था पूरे पंजाब के रेवेन्यू को। उनके 10 साल के राज में 10 करोड़ की इनकम थी सिर्फ माइनिंग से। हमारे राज में ये इनकम कई गुना बढ़ गई है, मतलब कि फर्स्ट ईयर हमने 100 करोड़ के आसपास इससे कमाया, अब इसकी टारगेट मेरे हिसाब से 300 करोड़ रुपया सालाना हो चुकी है। कोरोना काल में थोड़ा सा हमें माफ करना पड़ा था इस इश्यू को भी, क्योंकि तब सारा कुछ बंद था, तो उन्हें भी ब्लैक सेशन देनी पड़ी, पर फिर भी माफिया है। हमने पिछले दिन ही कार्रवाई भी की, अभी मेरे पास राइट फिगर्स अवेलेबल नहीं है कि कितने लोगों के हमने इसके ऊपर, नियर अबाउट 2000 के आसपास हमने FIR दर्ज की थी इलीगल माइनिंग के, कई लोग पकड़ के अंदर किए थे। बट फिर भी माइनिंग इज अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एवरी स्टेट, और हमारे पास ये है तो हमें उस चीज का लाहा लेना चाहिए। नो डाउट जो सरकार की पॉलिसीज हैं, माइनिंग को ऑक्शन करना है, क्या करना है, थोड़े से लीकेजेस इस डिपार्टमेंट में हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि इसे मॉनिटर करना बड़ी अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। CCTV कैमरा लगा देंगे, बट पूरा एक हमारा जो रिवर बेड है दैट इज नियर अबाउट 1000 किलोमीटर, तो उसपे पूरी निगरानी रख पाना, कौन कहाँ से ब्रीच कर जाता है। उसके बाद खेतों में हमारे यहाँ पे सैंड निकलती है, जो रिवर साइड एरिया के गांव पड़ते हैं 10-15 किलोमीटर के एरिया में, वहां पे माइनिंग हो जाती है।
सो टोटल स्ट्रेच को अगर हम कहें फुल प्रूफली हमने कवर किया हुआ, दैट इज नॉट पॉसिबल, पर फिर भी हम जितनी सख्ताई कर सकते हैं उससे ज्यादा सख्ताई कर रहे हैं। और ये जो ईडी का गठन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है, इस अकॉर्डिंगली मुझे लगता है काफी हद तक नकेल पड़ेगी और रेवेन्यू के सोर्सेज जो हमारे बन रहे हैं उसको ज्यादा हम कर पाएंगे इससे। गुरप्रीत जी जवाब दें। सर ऐसे है कि बलियावाला साहब ने खुद ही एडमिट कर लिया कि लैंड यू नो माइनिंग से, रेत और बजरी के खनन से किसी भी प्रदेश के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, ये खुद मान लिया है। और ये भी आपने यू नो ये पता भी है सबको, पर आपने इसमें स्टोरी में फिर दोबारा आपने दिखाया है कि जो पब्लिक थी, जो सेंटीमेंट्स थे पंजाब की 2017 की इलेक्शंस में, तो जो माइनिंग था, लैंड माइनिंग रेत और बजरी का जो था, वो इट वाज ऑल ड्यू टू द यू नो अकाली एंड बीजेपी एमएलएस गवर्नमेंट। सो लोग इस कदर गुस्से में थे और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने गुटके पर कसम ली हमारे जो पवित्र धर्म स्थान है दमदमा साहब जी 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 उनकी उसकी तरफ इशारा करके कि मैं पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ये उन्होंने एक मेन बात कही थी और बलियावाला साहब खुद ये मान रहे हैं कि दिस इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हम पहले से ही 2,75,000 करोड़ रुपया आपको भी मालूम है और पंजाब के जो लोग हैं उनको भी मालूम है, बिकॉज एवरीवन इज अवेयर कि उस पे हम कर्ज में डूबे हुए हैं और इन्होंने और भी बढ़ा दिया कर्जा पंजाब पर। सो बच्चा पैदा होने से पहले ही पंजाब में 1,00,000 रुपया कर्ज में डूब जाता है। सो अब इन्होंने बात कही के ये भी कह रहे हैं, इन्होंने मान ली है कि 4 साल तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। 4 साल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इन्होंने गठन किया है, इनके पास बहुत लंबी चौड़ी पुलिस ऑफिसर्स की यू नो बेसिकली बहुत बड़ी संख्या में सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनको इन्होंने एडजस्ट भी करना होता है। ये दे देमसेल्फ एडमिटेड के 12 जिलों में तो ये हमारा फोकस खास रहेगा, जैसे कि आप बता रहे थे। पंजाब का सर ऐसे है कि पंजाब दो शब्दों के से बना हुआ, पंज प्लस आब। पंजाब को दरियाओं की धरती कहा गया है, 5 दरियाओं की। सो रेत तो बहुत है, पर सवाल ये है कि अब ये कह रहे हैं 4.25 साल गुजर जाने के बाद कि हम तो मॉनिटर, इट इज इम्पॉसिबल टू मॉनिटर। देखिए अगर सरकार नहीं मॉनिटर कर पाएगी, इन्होंने अपना भ्रष्टाचार भी कबूल कर लिया कि हमारे जो 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 एग्जिस्टिंग ऑफिसर है वो कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड रीजन पॉलिटिकल पेट्रोनेज। हर 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए या मिनिस्टर कांग्रेस का इन्वॉल्व है इसमें, ये इन्होंने आप ही एडमिट कर लिया। और इसीलिए अब इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की गठन की दोबारा, इसको एक और बना दिया, एक और यू नो जिसको जैसे एसटीएफ ड्रग्स का एक बहुत मसला था तो एसटीएफ बना दी, तो ड्रग्स काम पंजाब में से खत्म हो गई, दो आपको भी मालूम है। तो इसी तरह ये खनन का मसला भी वैसे का जैसे ही है, वो अब क्योंकि प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, इनको वादे याद करा रहे हैं और ये कहते हैं बलियावाला साहब के विपक्ष का काम तो कहना ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है। तो भाई हम तो कहना नहीं, वी आर वॉच डॉग्स, हमारी ड्यूटी है। नहीं नहीं ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब ले लेता हूँ। प्रीतपाल सिंह की जवाब दीजिए, क्योंकि 4 साल तो हो गया, अगर यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट विंग का आपने पहले गठन कर दिया होता या इसको सही तरीके से कंटेन करने की कोशिश की होती तो मुझे लगता विपक्ष के पास ये मौका नहीं होता इस बात को कहने का। देखिए मैंने एक बड़ी मेरी इको बहुत जा रहा है,
मैंने पहले इस चीज की कमिटेड हो गया कि जिस चीज में लूप होल्स होते हैं उसके लूप होल्स को मानना अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि आप खुद ही मान रहे हो, हाँ मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ दे रहा लूप होल्स। इन्होंने गुटखा साहब की सुगंध की बात कही, गुटखा साहब की सुगंधे कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो वीडियो है ना, मैं वो पक्ष को कहना चाहूंगा अच्छे से देखे, खुद ही ना झूठ बोलने लग जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा क्या था। उसके अकॉर्डिंगली देखे, पहले नशे की कमर तोड़ने की बात उन्होंने करी, इन्होंने कहा कि नशा खत्म करने की बात करी, तो अलग अलग इश्यूज हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे का जो स्ट्रक्चर था उसे काफी हद तक तोड़ा है। 51,000 के आसपास हमने लोग पकड़ के अंदर किए हैं जो स्मगलिंग कर रहे थे, 200 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टीज को सीज आउट किया है, बाकी चीजें की है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है। अभी भी जो बड़ी बच्चियां हैं वो पकड़ रहे हैं, IPS ऑफिसर, IG लेवल के ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, PPS को सस्पेंड कर दिया गया है, उनपे इंक्वायरीज बैठी है। आज तक ये पंजाब में हुआ नहीं था कभी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। नो डाउट, मैंने खुद मान रहा हूँ कि जो माइनिंग है, माइनिंग एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, इसके ऊपर हमें हाई कोर्ट से कई बार फटकार लग चुकी है, NGT की भी लग चुकी है, इन पर जुर्माने भी लग चुके हैं। मैं कोई झूठी बात करने को थोड़ा बैठा हूँ या मैं किसी माइनिंग वाले की तरफदारी करने को नहीं बैठा, बट दैट आर द ट्रू। हमें इस पे पॉलिसी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, हमने ED बनाई है इस लीकेज को और कंट्रोल आउट करने के। मैं बता रहा हूँ कि 10 साल में 10 करोड़ का रेवेन्यू था और अब तक हम 1,000 करोड़, ठीक है, तो रेवेन्यू। लेकिन प्रीतपाल सिंह जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने बनाया है कि इसको और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, तो पीछे 4 साल में आप लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा उसका भी तो मैं चाहूंगा कि आप बताते चले कि 4 साल में क्या बदला है, 4 साल में क्या काम हुआ है, अगर माइनिंग का ही खाली स्पेसिफिक में जिक्र करूं तो। 4 साल में अगर पिछले रेवेन्यू की बात करें तो 10 करोड़ था पिछली गवर्नमेंट जो छोड़ के गई थी, वो अब मेरे हिसाब से 1,000 करोड़ से ऊपर हमने कलेक्शन कर दिया इस डिपार्टमेंट में। 1,000 करोड़ की इंक्रीज है सीधी सीधी जो हमारी अप्रोच है। 2,000 से ऊपर हमने इसमें अरेस्टेड किए हैं लोग। ट्रैक्टर ट्रॉलीज का मेरे पास इस टाइम राइट रिकॉर्ड नहीं है, सो मैं उस पर कमेंट ही करूंगा। काफी सीज आउट किए हैं, लोगों पर नकेल डाली गई है, जो पहले छोटे छोटे बैचेस में अपनी करते थे लोग हरेक गांव में, उसको रोका गया। हमने नई माइनिंग साइट 600 के आसपास ट्रेस आउट की थी, वहां पे माइनिंग शुरू करवाई गई है। बट मैं फिर कह रहा हूं दिस गेम, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए, पूरे देश में देखा जाए ना, अकॉर्डिंगली नो बडी कैन होल्ड दिस गेम, बट आम आदमी पार्टी कैन होल्ड, क्योंकि इनके पास वहां पे माइनिंग के साधन कोई नहीं है, तो सारा तो दिल्ली बराबर है, तो ये तो बोलेंगे कुछ ना कुछ। सो इसीलिए मैं तभी बोला था कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जब सरकार में बैठोगे, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार नहीं कर रही, तो इन पे हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। हम दिल्ली मॉडल की बात करें, दिल्ली में माइनिंग ही नहीं है कुछ, 1 रुपए की माइनिंग नहीं, सारा कुछ तो बाहर से आता, कोई सोना से आता, कोई डायरी से आता है, वहां से मटीरियल आते हैं। सो दीज आर दी गेम्स जिसपे अगर हम अपनी फोर्सेज के अकॉर्डिंग, मैं आपको पहले बता के होता हूँ, जो हमारा रिवर बेड है दैट इज नियर अबाउट 1,000 किलोमीटर, तो हम उस अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर रहे हैं। जो ठेकेदारी सिस्टम है यहाँ पे, माइनिंग ठेकेदारों को दे रखा है हमने, वो उस अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं गंदी मछियां तो है, अगर पूरा देश ठीक ठाक हो जाएगा फिर तो हम सचिव में पहुंच जाएंगे ना, गंदे आदमी बैठे हैं करते हैं वो, तो उसके निकेल कसने के लिए पंजाब की सरकार और पंजाब पुलिस बैठी है, वो कर रहे हैं जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। बट माइनिंग इज द चैलेंजिंग जॉब, वो हम आने वाले दिनों में जितनी सख्ती कर पाएंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो ADGP लगाए गए हैं RN डोके साहब, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है और इस पे और कंट्रोल पाया जाएगा इसके साथ। गुरप्रीत जी देखिए, पहले जो 4 साल बीते उसमें जितना वो कर सकते थे उसी को आधार बनाते हुए ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो विंग है वो बनाया गया, 12 जिलों पर खास नजर रखने वाले हैं, तो कम से कम एक कदम और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चैलेंजिंग तो है इस बात को, तो वो पहले सेंटेंस से ही स्वीकार कर रहे हैं। प्रीतपाल सिंह जी, गुरप्रीत जी जवाब दें इसका। सर ऐसे है कि गवर्नमेंट चलाना भी तो चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग ड्यूटी है ये, जब आप वादे करते हो तो तभी आपको मालूम होता है कि सब कुछ चैलेंजिंग है। दिस इज गोइंग टू टेस्ट योर करेक्टर आल्सो, योर कमिटमेंट आल्सो। ये नहीं होता कि कसम खाली गुटके से, जो हमने ये कहा था जी कि हम नशे बिल्कुल खत्म करने को नहीं कह रहे थे, हमने तो उसका कमर तोड़ दी जी। ये कोई नशा कोई पंजाब में थोड़ा बिकता है जी, ये तो सारी दुनिया में बिकता है जी। और जहां तक हमारी बात है, हम कोई दिल्ली के रहने वाले हैं सर, हम पंजाब में रहने वाले हैं, वी रिप्रेजेंट आम आदमी पार्टी। ये हर बार में ये बात ले जाते हैं कि हम क्वेश्चंस उठाते क्यों हैं। एक्चुअली बात ये है कि सर के जो आम आदमी पार्टी में जो भी बैठा आदमी,
चाहे मैं आपके सामने बैठा हूं, चाहे फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, वो जो जो ट्रेडिशनल पार्टीज है उनको देख चुके हैं, कांग्रेस को देख चुके हैं, वो अकाली को देख चुके हैं, और उन्होंने यू नो दे हैव लॉस्ट द फेथ कि ये तो काम होना ही नहीं है, ये तो ठीक कर पाएंगे ही नहीं, इनकी तो इंटेंशन है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि देखो सर ऐसे है कि आपने वर्ड हम यूज करते हैं माफिया, बाहुबली, संरक्षण, राइट, तो इसमें आप सीधे से एक बात जो समझने वाली है कि इसमें जो एलिमेंट है इन्वॉल्व, जो गुंडा बर्ची लगती है, जो पैसे कमाते हैं, वो सारे उन्होंने बदमाश पाल रखे हैं, और हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है, उनको इन्होंने नशे पे लगाकर उनको बेलगाम किया हुआ है एज देयर बॉडीगार्ड्स, जो जो ड्रग बेचते हैं उन्होंने ऐसे हमारे यूथ को, वो क्या करते हैं सर, नशा थोड़ा सा उसको लगा देते हैं एक आदमी को। मैं सर आपको बात बताता हूं कि आदमी को नशेड़ी कैसे बनाते हैं, कि थोड़ा सा नशा उसको फ्री दे देते हैं, देन ही बिकम्स एडिक्ट, देन दे मेक हिम द पेडलर कि आप नशा लेकर जाओ, उसके बाद उसी को पकड़ लेते हैं। और जो ऐसा कैसा जाल है बलिया वाला साहब जो आपने डाला हुआ है, जो कैप्टन साहब ने डाला है, जिसमें छोटे छोटे पेडलर वो तो आपकी पकड़ में आ जाते हैं, और बड़ी मच्छियों को तो आप यू नो यू ये कह रहे हैं कि हाँ फंस रही हैं, आ रही हैं, पकड़ लेंगे, चार साल हो गए, पूरे इंडिया में ऐसा हो रहा है। यही तो हम कहते हैं कि कांग्रेस का भी लीडरशिप, आज अगर हम ये चर्चा करते हैं कि बीजेपी अपनी मर्जी कर रही है सारी कंट्री में, तो उसका रीजन कांग्रेस की लीडरशिप का टोटली फेलियर होना है एट द सेंट्रल लेवल एंड इन अदर स्टेट्स। सो ये जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। अगर पंजाब में इनकी रूलिंग पार्टी है तो ठीक है, पर दे आर देमसेल्व्स एडमिटिंग कि इंटरस्टेट मूवमेंट भी हो रही है, ये हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को भी जा रहा है। और एक्चुअली क्या है कि सर हमारे पास कोई इंडस्ट्री तो कोई है नहीं, ये कोई इंडस्ट्री को ला नहीं पाई, तो जो इनके MLA है बेचारे उनको 10 साल बाद इनको टाइम मिला है, तो वो किस बात में बिजी है, वो इसी में बिजी है कि अपना पैसे जो इससे अपना लैंड अपना माइनिंग मार्फिया से बना ले। और रही बात राणा गुरजीत सिंह, वो पावर और इरिगेशन मिनिस्टर थे, ही वॉज वेरी पावरफुल एट द यू नो इन द कैबिनेट ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको जाना पड़ा, किस बात के लिए जाना पड़ा, वो भी तो यही था अपना माइनिंग इश्यू था। तो ये दे आर कॉन्टिन्यूसली फेलिंग ऑन एवरी अपना फ्रंट, और कैप्टन अमरिंदर सिंह एज अ लीडर ऑफ द पार्टी जब इलेक्शन में जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हर बात उनकी गुटके के ऊपर ही कसम खाकर ही इन्होंने वही पूरी करनी है, दूसरी बातों को इन्होंने कह देना कि ये तो जुमला, तो फिर बीजेपी और इनमें फर्क क्या है सर। वो कहते थे 15 लाख रुपया देंगे और 15 लाख को बाद में बोल दिया, ये तो इलेक्शन का जुमला है, कैन यू फूल द यू नो पीपल लाइक दिस, कि जुमला है जुमला। चलिए प्रीतपाल सिंह जी, कुल मिलाकर के गुरप्रीत जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि तो देखिए जो बात आप लोगों ने कही उसको आपने डिलीवर नहीं किया उस तरीके से, और शुरुआत में आपने भी इस बात को कहा कि हाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमने एक्सेप्ट किया, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है उसको मानने में कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन जब आपने ये बात कही थी चुनावों के दौरान कि आप इसको खत्म करेंगे या इसको आप रोकेंगे, तो जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो ये इशू बनाएंगे, विपक्षी दल हैं, और फिर आपको दिखाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या किया, उस आधार पर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए इन्होंने खुद ही एडमिट किया है अभी कि राणा गुरजीत सिंह को जाना पड़ा, तो सीधी सी बात है कैप्टन अमरिंदर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हर एक चीज के ऊपर। अगर किसी का नाम अभी तक वो क्या कहते हैं उनपे अप्रूव नहीं हुआ, बट फिर भी उन्हें अपना इस्तीफा ले लिया उनसे, वो गए हैं माइनिंग पे, माइनिंग वाले इशू पे, कोई दिक्कत थोड़ा है। मैं तो पहले ही एडमिट किया है इस चीज पे कि दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब जो माइनिंग पे है, तो जो हम रोक सकते थे उतना रोका है, जो हमने कमाई की है मैंने आपके सामने रखी है, 10 साल का 10 करोड़, 4 साल का 1000 करोड़, उस चीज पे क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड तो यही लोगों के बीच में जाएगा, और ये रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा है, बेटर है, और आगे भी हम नकेल कर रहे हैं ना, कोशिश अगर हमारी कोशिश में कोई ग्रेज हो या कोई वो खामी हो फिर तो बताएं। अरे अपने सजेशन देने की बात है, विपक्ष का काम है, पर विपक्ष वॉकआउट करता है क्योंकि मीडिया में आना है विपक्ष ने,
जब 10 दिन का अभी सेशन चला तो आपने देखा ही होगा कितने दिन विपक्ष बैठ के सार्थक चर्चा की, उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद रिपोर्ट टेबल की, आपने ये किया। ये तो जब किसानों के लिए मता पास हो रहा था रद्द करने का, दोबारा केंद्र सरकार को दिखाने का, उसे भी छोड़ के चले गए, क्योंकि बीजेपी की बीटी है। तो मैं उस चीज को अब नशा तस्करी को लेकर अगर मैं रिपोर्ट कार्ड देने लगूं, तो हमने 6 लाख नौजवान ठीक कर दिया है, नशे की लत से छुड़वा दिया है। वो आम आदमी पार्टी ने थोड़ा आकर किया, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किया। 51,000 लोगों को पकड़ के अंदर किया ड्रग माफिया को, वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल थोड़ा ना किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट। लेकिन उसमें बड़े नाम नहीं है, वो यही बात तो गुरु जी कह रहे हैं कि वो पेडलर है, जो मेन उसका जो माफिया है उसको तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, विक्रम मजीठिया से हमने थोड़ा माफी मांगी है, केजरीवाल ने मांगी है, हमने थोड़ा मांगी है उससे, यही कहते थे वो सुधागर है बड़ा। हमने तो जितने लोग हमारे हाथ में आ रहे हैं, काबू आ रहे हैं, अभी एक आदमी आया, उसके हमारे आईपीएस ऑफिसर्स, आईजी लेवल ऑफिसर जो अकाली दल के संघर्षण में नशा बिका रहे थे, उन्हें पकड़ के हमने सस्पेंड कर दिया, उनपे इंक्वायरी चल रही है, जल्द सलाखों के पीछे हो गए। ये किसी और ने थोड़ा किया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से आके थोड़ा किया है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है। सो अगर आप रिपोर्ट कार्ड, ये तो कल जो हमने मुफ्त बस सफर जारी किया है हमारी महिलाओं के लिए, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, 10 रुपए की टिकट छोड़ते हैं दिल्ली में तो वाह वाही हो गई, यहाँ पे 400 रुपए की टिकट हमने अपनी महिलाओं बहनों की छोड़ दी, तो इन्हें गुस्सा लग रहा है कि ये क्यों किया जी। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर वहां पे भी, मैं आज आपके चैनल पे पूछता हूँ उनसे, गुरप्रीत जी दिल्ली से बसें चलती हैं बाकी स्टेटों को, बाकी हमारी पंजाब गवर्नमेंट की भी जाती है, क्या उस बसों में दिल्ली के एरिया के अंदर ही सफर मुफ्त है? आप कल क्वेश्चन कर रहे थे हमारे ऊपर, कल आप ये भी कह रहे थे मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया था उसकी भी बातें कर रहे थे, बट ये चीजें जो करता है ना आदमी काम उसे पता है। आज की डेट में सरकार पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह चला रहे हैं, जो चैलेंजिंग जॉब्स हैं वो हम निभा रहे हैं, ये तो उनके एजेंट बने हुए हैं। आज ये बात नहीं कर रहे कि एफसीआई जो हमारे यहाँ पे खरीदी रोकने का काम कर रही है पंजाब में, डायरेक्ट पेमेंट किसानों को देने की बात कर रही है, आरटीओ का पैसा रोकने की बात कर रही है, उसमें कहीं आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है, अरविंद केजरीवाल बोलते नहीं देखेंगे, वो उस चीज पे बोलेंगे जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह की इमेज पे जाग लगे, वो इस चीज पे बोलेंगे। करें ना बात जाके दिल्ली में बैठे जाएं, अगर किसान हितैषी हैं कल जाएं पीयूष गोयल को मिलने कि नहीं जी ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम इनका समर्थन कर रहे हैं, बट जब कानून लेके आना होता है वही दिल्ली वाला तो दिल्ली इंप्लीमेंट करती है। जब वो कमेटी बनती है, कौन सी एसेंशियल कमेटी एक्ट वाली, भगवंत मान की जो स्टेटमेंट्स आती है आगे तो हमें सबको पता है, कोई डिसेंडिंग नोट्स नहीं आता, अभी तक नहीं डिसेंडिंग नोट लोकसभा के स्पीकर को दिया। सो वो अगर सब कुछ घोल ले निकाल ले लोगों का तो आपको सब क्लियर आउट हो जाएगा। जहां जहां बीजेपी हारती है वहां पर आम आदमी पार्टी को आगे कर देती है, जहां जहां जीतने की कोशिश में होती है वहां अरविंद केजरीवाल ना बंगाल में दिखा, ना आसाम में दिखा, ना केरला में दिखा, ना तमिलनाडु में दिखा, क्यों नहीं दिखा आप सब जानते हैं। सो मुझे उस चीज पे कहने की टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है वो दैट इज द सेकंड फेज ऑफ, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे पंजाब में वो दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या माने कि यहाँ इनको होप है? नहीं, इनको होप इस चीज के लिए, बीजेपी जीरो है ना, जहाँ पे बीजेपी हारती है उसका वोट बैंक डिवीजन के लिए ये अपने पास लेके जाते हैं सीधा। चले गुरप्रीत जी, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उसको वो बता रहे हैं कि देखिए वो जितना बेहतर कर सकते थे कर लिया, रिपोर्ट कार्ड उनका तैयार है, ये मुद्दा बनने वाला नहीं, और अगर जनता जवाब मांगेगी भी तो रिपोर्ट कार्ड वो रख देंगे, उन्होंने इतना किया। सर बात ये है कि किसी दूसरे के गुनाह गिनाने, जैसे बलियावाला साहब अकालियों के और बीजेपी गवर्नमेंट के जो गुनाह गिनवा रहे हैं कि उनके समय में बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता था, हमने कर लिया कुछ, तो उसका मतलब ये हो गया, ये बता रहे हैं कि वो बड़े गुनाहगार थे, हम उनसे कंपैरेटिवली कम गुनाहगार हैं, तो इन्होंने एडमिशन किया और चौथे साल में पुलिस को और डीजीपी रैंक को इसमें इसके अंदर लाना, तो दैट इज इटसेल्फ एडमिशन। हम जो इसको जो डिबेट है उसको डिरेल नहीं करना चाहते, ये एक्चुअली ये बताएं, देखिए सर ऐसे है कि पंजाब में कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोले में डरता है, आम आदमी, चाहे वो रेत का माफिया, बजरी का माफिया हो, चाहे ड्रग्स हो, ये दो ऐसी चीजें हैं बलियावाला साहब के जिससे हर आदमी डरता है, क्योंकि इसमें
पॉलिटिकल जो आपके वो है एमएलए और मिनिस्टर्स वो भी इन्वॉल्व है और हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आदमी डरता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे को तो यार उन्होंने कोई ना कोई अपना जो पर्चा है उसमें फंसा कर रख देंगे और मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा। तो एक आम आदमी पार्टी है जो बोलती है और दूसरी तरफ सुखबीर बादल है वो अपनी मार्केटिंग इसलिए इस तरह करते हैं क्योंकि दे आर द सेम। अकाली लोगों ने इनको कैप्टन साहब की सरकार को इसलिए लाए थे क्योंकि वो 10 साल के सुखबीर सिंह के राज से बुरी तरह से निराश हो गए थे, दुखी हो गए थे, थक गए थे। तो उन्होंने एक एक कैप्टन को देखा था जो 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने राज किया जिसने सुखबीर को कोशिश की अंदर करने की, जिन्होंने सुखबीर की अपना वो भ्रष्टाचार के केस भी निकालने के मिनिस्टर्स के कोशिश किए, पर अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि इन्होंने कैप्टन साहब खुद लुधियाना के सिटी सेंटर स्कैम में उलझ गए, सुखबीर ने उलझा दिया, उसमें सैनी साहब थे। अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया कि अफसरों को जो जिनको इन्होंने यूज किया सुखबीर साहब ने उनको छोड़ दिया, इन्होंने अपना समझौता कर लिया और पिछले 4 साल से एक भी भ्रष्टाचार का केस सुखबीर साहब और इनके खुद मंत्री और एमएलए कैप्टन साहब की मिन्नते करते हैं कि सर लोगों के बीच में जाएंगे कैसे, आपका इमेज बदल गया है, हमने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए। इसलिए ये हर बात को उसको हंसकर टाल देते हैं। ठीक है, मैं कौन कहता, मैं कौन हूं, अगर इनका हंसना है लोग देख रहे हैं, हंसते तो ये है। सवाल ये है कि अगर हम इसको नशा नहीं कंट्रोल कर पाए, हमको बड़ी मछली नहीं नजर आती, हम कहते हैं ये आसान बात नहीं है, जो सरकार चलाएगा उसके लिए तो आसान बात नहीं है। चुक सरकारिया जी ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि हम पोर्टल बना रहे हैं, अब इसके बाद एडीजीपी साहब भी लगा दिए और ये उनको ऑलरेडी एसएसपी हैं, वो हर जिले में हैं, डीसी हैं, हर जिले में हैं। जो लेकिन रुपी जी प्रीतपाल जी ने यही बात तो कही ना कि देखिए एफर्ट तो वो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं उनके एफर्ट में कोई कमी है तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं ये तो फिर से विपक्ष वाली बात हो गई ना। एफर्ट में क्या कमी है, क्या इनको करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया? क्या सर उन्होंने तो एडमिट ही कर लिया, कमी क्या है, वो तो एडमिट कर लिया। एक और बात बताऊं, 2018 में इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज लगी थी, उसमें ये था कि इनके जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही थी, इट वाज तब तो 30 एमएलए और इनके मिनिस्टर सरदार अमरिंदर सिंह के रडार पे आ गए कि आप भाई अपने इलाके में खनन करा रहे हो। तो ऐसे तो ये कंट्रोल करते हैं, ये खुद ही एडमिट करते हैं। और रही बात राणा गुरजीत सिंह जी की, उनको जीरो टॉलरेंस पे नहीं छोड़ा, वो तो इनका दिल्ली दरबार राहुल गांधी के पास तक बात गई, तब इनको वो कैप्टन सरकार कैप्टन साहब ने राणा गुरजीत जी का केस बहुत स्ट्रांग होकर लड़ा के ही वाज नॉट इन्वॉल्व। अल्टीमेटली व्हेन एवरीथिंग वाज क्लियर एंड कांग्रेस हाई कमांड राहुल गांधी ने फोर्स किया तो तब राणा गुरजीत सिंह जी को जाना पड़ा। राणा गुरजीत सिंह जी चले गए तब उसके बाद भी कुछ नहीं, अपना चेंज तो कुछ नहीं हुआ। एफर्ट्स ये कोई बात हुई कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं, सरकार आप चला रहे हो, मालिक आप हो, तो हम लोग किसकी ओर देखेंगे, आपकी ओर ही देखेंगे। चलिए प्रीतपाल जी जवाब दे। मैं गुरप्रीत जी बहुत सीनियर एडवोकेट भी मुझे लगते हैं, जिस हिसाब से बहस कर रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हम कर रहे हैं, सिटी सेंटर भी ले आए, बाकी चीजें भी ले आए, विक्रम मजीठिया क्यों नहीं लेकर आए, माफी हमने थोड़ा मांगी है, अल्जामबाजी आप करें, माफी आप मांगे, जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी एक इनका टुड्डी के का एक अपना सरपंच पकड़ा गया 1 किलो फीम के साथ, भगवंत मान के साथ फोटो है, क्या कहूं कि भगवंत मान भी साथ में सप्लाई कर रहा था, उसे भी पकड़ के अंदर कर देने दे, ये बड़ी मछली वो होगी। सो ये कहने की बातें हैं, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, जुबलेबाजों की सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बार बार, अभी मैंने महिला सफर की बात करी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे बात करी क्या दिल्ली में नया कोई कॉलेज बनाया इन्होंने अपने 6-7 साल के टाइम में, कोई नहीं बनाया। कोई नया हॉस्पिटल क्रिएट किया, नहीं किया। कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई नहीं बनाई। कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, नहीं किया। स्कूलों के हालात सुधारे हैं बट
स्कूलों में जो बच्चों के पढ़ने में पढ़ाई करने वाले बच्चों में कमी आ गई है, वो पंजाब में डबल हो गई है, इन चीजों के बात है। बस एक मॉडल है, दिल्ली एक स्टेट के बजाय कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहां पे कई सुविधाएं मिलती हैं, वहां पे खनन नहीं होती, दूरों से सामान आता है, तो केजरीवाल पे सवाल करना हमें बनता नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, चैलेंजेस जो आदमी जो सरकार अपने आप मानती है, दीज आर दी चैलेंजेस और हम इसे फेस कर रहे हैं। ए ओवर वन ओवर नाइट में तो अपन सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। हिंदुस्तान बना है आजादी, हमने हमारे देश में हमारे लोगों ने लड़कर ली है गोरों के साथ, आज वो गोरे अंग्रेज काले अंग्रेज बन के हिंदुस्तान पे काबज होना आ रहे हैं, हम उन्हें रोकना चाहते हैं। मैंने FCI की बात करी, क्या केजरीवाल जी जाके पीयूष गोयल के घर के आगे धरना देंगे हमारे आरतीयों को फसल का, वो जो डायरेक्ट DBT की बात चल रही है उस पर कोई इशू नहीं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। आज एक गृह मंत्रालय ने चिट्ठी निकाल दिया बॉर्डर एरिया के किसानों के लिए, उस पर केजरीवाल का कोई कमेंट नहीं आ रहा। बाकी इश्यूज है पंजाब के, दोगला चेहरा है वो, उसे क्रिएट करी जा रहे हैं लैंड माफिया सैंड माफिया ये माफिया, वो माफिया पे भैया नकेल तो डली है ना, नकेल डालने का काम सरकारों का होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पूरे पूरे 3.5-3.75 करोड़ की आबादी को एक दिन में सुधार के रख देगा, ब्लैक शीप्स आर देयर, तो ब्लैक शीप्स को पकड़ने का काम भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहा है ना। वन ओवर नाइट तो हम कर नहीं पाएंगे। आज मैं केजरीवाल साहब को बोल दूंगा, दिल्ली में क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, दिल्ली में नशा खत्म हो गया, दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म हो गई, दिल्ली में नजायज शराब की फैक्ट्रियां नहीं फड़ी जा रही। तो दीज आर दी बेसिक, जो लोग ऐसा काम करना जिनकी पैदाइशी हो तो उनको हम दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर नकेल ही कस पाएंगे, वो नकेल हम कस रहे हैं। आज हमारे 300 किसान शहीद हो चुके हैं, क्या कहते हैं वहां पे दिल्ली में कोई हो जाए तो ड्रामेबाजी कर देनी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, बट यहाँ पे केजरीवाल आते हैं झंडा बोलते किसान में महापंचायत है झंडा आम आदमी पार्टी का लहराते, वो ये एक तंत्र है इन्हें जो हमारे बेसिकली फील्ड में रहना है इलेक्शन गेम के लिए, वो ये अपने एजेंडे चलाते रहेंगे। बट जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जिस दिन पूरे 4 साल हुए थे उस दिन अपना रिपोर्ट कार्ड टोटल मीडिया के आगे सामने पेश किया, उस 110 पेजों के बीच में अगर कोई खामी होती तो हमारे जो मेरे भाई हैं मित्र हैं वो हमें बताते, केजरीवाल जी बताते उसमें कोई खामी नहीं है, क्योंकि वादे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पेंडिंग है, उसे हम आने वाले दिनों में उसे भी पूरा करेंगे। लोगों को फ्री बिजली, अब बिजली की बात आज हो रही थी, बिजली हम यहाँ पे 14,000-14,500 करोड़ की बियर कर रहे हैं अपने किसानों के लिए, दिल्ली में 2500 करोड़ की सब्सिडी देके विज्ञापन वाली सरकार अपनी वाहवाही काटती है। तो ऐसे इश्यूज है पंजाब और दिल्ली के साथ रिलेटेड, बहुत इश्यूज है, बट ना दिल्ली का कंपैरिजन पंजाब के साथ हो सकता है, ना पंजाब का कंपैरिजन दिल्ली के साथ हो सकता है। हरेक अपनी अपनी पॉलिसी और अपनी पॉलिसी मेकर के अकॉर्डिंगली जो हमें ठीक लग रहा है हम उस अकॉर्डिंगली सरकार चला रहे हैं। बट मेरी फिर इनसे बेनती है, पंजाब के इश्यूज के लिए आज की डेट में पंजाब इंटरनल लड़ते रहेंगे ना, पहले अपनी किसानी बचाए, किसानी के लिए आप कहीं जा नहीं रहे। भगवंत मान जी उस कमेटी के मेंबर होते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते अभी तक, डिसेंट नोट नहीं आया। केजरीवाल जी उस कानून को दिल्ली में लागू कर देते हैं, उस पर गुरप्रीत जी नहीं बोलेंगे, पता है, क्योंकि बीजेपी ने जो लास्ट मीटिंग में आपको एक और क्लियर कर दूं, इन्हें नई अपडेशन होगी, पिछले दिनों जब ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था केजरीवाल ने MLAs की मीटिंग बुलाई, इनके उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को टारगेट नहीं करना, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को टारगेट करना है। तो आप मुझे ये बताइए, तो मैं बी टीम कहता हूँ, ये तो बी की बजाय ए टीम है, आम आदमी पार्टी स्टार्ट पे दे, ये ए टीम है, उनका चेहरा है। इसीलिए प्रशांत भूषण ने कहा था अरविंद केजरीवाल का आरोप आप लगाए, गुरप्रीत जी से मैं इसका जवाब देता हूँ, RSS के दो, ठीक है गुरप्रीत जी जवाब, बीजेपी से अभी तक तो बी टीम थे लेकिन अब तो ए टीम भी उन्होंने बता दिया आपको। सर ये तो ये मुद्दे से भटक रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि आपने आज की चर्चा रखी हुई है कि 4.5 साल के बाद ही क्यों, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है, आपने खुद कहा है कि लैंड माइन अपना माइनिंग का रेत और बजरी का इन्होंने खुद एडमिट की है। अगर ये अच्छा, दूसरी बात एक मैं बात कहूं कि हमारी जो पंजाब की इकाई है आम आदमी पार्टी की, वो अपने सभी काम कर रही है। रही बात आपने उनको लिए लेकर आना है, उनकी जो उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने फार्मर्स को डिमेंट के लिए वो हम बोल रहे हैं, पर वो काम कौन करेगा, सरकार तो आप हो पंजाब में, सरकार किसके पास है, आम आदमी पार्टी के पास है, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। और रही बात
वहां से के वो अपना उन्होंने केजरीवाल साहब ने अपनी उसकी जो बार बार ये उठाते हैं, तो किसने प्रूव करना था आपको? तो कोई अकाली कोई आपको दिखाई नहीं पड़ा कि कुछ ड्रग्स में कौन था आप, क्योंकि दोनों ही आप भाई भाई हो, अब कौन सी ड्रग्स नहीं मिलती? आपकी जेलों में भी तो ड्रग्स मिलती हैं, सिर्फ रेट ज्यादा है। सब सर आप ये बात कहीं से भी कंफर्म कर लो कि पंजाब के जेलों में भी चिट्टा मिलता है, और ये बात फैक्ट है। और ये उनको क्या कर रहे हैं, पीछे से इन्होंने कुछ दिनों से ये काम किया है कि वो अपने एडीजीपी को जो लिखकर भेज रहे हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम कोई मोबाइल कोई गैर कानूनी चीज जो वो जेल सुप्रिंटेंट है हम और डीएसपी है हम अंदर नहीं भेजेंगे, तो भेज कौन रहा है? भ्रष्टाचार तो को तो लगाम ये लगा ही नहीं रहे। हर बात को जो भी किसी भी अकाली लीडर या इनके साथ अकाली लीडरों के साथ जुड़े आदमी जिन्होंने ड्रग्स माफिया में थे, तो प्रूव किसने करना था? वो तो कांग्रेस पार्टी ने करना था, वो आम आदमी पार्टी ने करना था, आपने करना था, आपने नहीं किया। आप एक ही बात हो, आपकी तो ए बी टीम भी नहीं है, आपकी तो फ्रेंडली मैच चल रहा है। अब भी सुखबीर सिंह जी तैयार हो रहे हैं, मनप्रीत सिंह जी, इनका एक और बात मैं बता दूं सर, बलियावाला जी हंसेंगे भी और मानेंगे भी, कैप्टन साहब के जो ग्रुप है उसकी चॉइस मनप्रीत सिंह बादल है कैप्टन साहब के बाद, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। और मनप्रीत बादल और सुखबीर बादल में कोई अंतर नहीं, सारा पंजाब जानता है। ये सिर्फ इन्होंने ड्रामा किया था, और उस ड्रामा यू नो बिकॉज दोनों ही बाहर के पड़े हुए हैं, इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई 2012 में कि कैसे इलेक्शन जीती जाए। हम दो जो तलवारें हैं एक म्यान में रह नहीं सकते, जबकि पारिवारिक तौर पे ये सेम है, सब कुछ सेम करते हैं मनप्रीत बादल और सुखबीर बादल, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो अपना वोट शेयर का जो मार्जिन था वो मनप्रीत बादल ले गए 2012 में, और यू नो सत्ता में रह गई सुखबीर बादल। सो जो भी बातें हैं ये तो सुखबीर बादल, अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक ही बात है पंजाब में, हम पंजाब की बात कर रहे हैं। और पंजाब में आम आदमी सर माफिया से डरता है, मैं भी उन आदमियों में हूँ जो माफिया से डरता है, पर लेकिन हम आवाज बुलंद करेंगे, चाहे हमें गोली मरवा दो चाहे हमें अंदर कर दो। प्रीतपाल सिंह जी देखिए, ये मुद्दे तो पिछली बार के चुनावों में भी थे, लेकिन क्या 2022 आते आते आपको लग रहा है कि ये खत्म हो पाएंगे? क्योंकि विपक्ष तो बराबर आक्रामक है, चाहे आप नशे की बात करें चाहे आप माइनिंग की बात करें, ये दोनों ही ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लग रहा है कि एक बार फिर से 2022 में लेकर के ये लोग जाने वाले हैं, और इसके लिए आपके पास काउंटर या इसका रिपोर्ट कार्ड बहुत पुख्ता होना चाहिए। क्योंकि जनता को ये कहने से कि हम जितना बेहतर कर सकते थे ये किया, मुझे लगता है इससे कन्विंस होगी नहीं जनता। मैं सिर्फ और माइनिंग के इशू पे बात कर रहा था, जितना हो सकता था उससे ज्यादा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी इश्यूज को हमने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। बात ये कर रहे थे अभी केजरीवाल बैठा है डीबीटी वाले इशू पर, बाकी इश्यूज पर, भैया केजरीवाल ही आता है बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर यहाँ पे पंजाब में रैली करने, हम थोड़ा बुलाते हैं उसे, भगवंत मान करे हमने कब विरोध किया उस चीज का। सो जब केजरीवाल पंजाब की सत्ता पे काबज होने, अरे सुन ले देखिए, मैं बीच में वरना मैं आपको इतनी बातें कहते हो मैं बीच में टोक टोक कर आपको बात ही नहीं करने दूंगा। चलो इशू का भूल के जाते हैं। सो केजरीवाल के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार माफी मांगे केजरीवाल, जवाब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अभी इन्होंने मनप्रीत की बात करी, मनप्रीत जी हमारे सीनियर नेता हैं, बट मनप्रीत का एक केला आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, क्या पता वो भी साथ ज्वाइन कर जाए अगर मनप्रीत क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर बन जाए। सो ये बातें करने वाली अच्छी नहीं होती। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम एड्रेस कर रहे हैं यहाँ के पंजाब के इश्यूज को। आज मुझे एक और चीज पता लगी, ये घोटालों की सरकार हमें कहते हैं, 8528 करोड़ का दिल्ली में एक बिजली घोटाला हुआ है, कैग की ऑल्टिंग भी नहीं करवाई इन्होंने उस इश्यू पे, उसका जवाब थोड़ा यहाँ पे दिया जाएगा क्योंकि फिर वो दब जाता है क्योंकि नेशनल मीडिया उस चीज को उठाता नहीं है। सो गुरप्रीत जी मेरी बार बार रिक्वेस्ट ये है, जो पंजाब के इश्यूज है हम उसे एड्रेस कर रहे हैं, आप भी पंजाब के इश्यूज को एड्रेस करते हुए दिल्ली जाइए, दिल्ली के जाके बैठिए, विधानसभा में सेशन होता है
बिल पास करते हैं पंजाब की विधानसभा गवर्नर हाउस तक ठीक रहते हैं, उसके बाद यू टर्न कर जाते हैं। कौन भरोसा करेगा इन लोगों के ऊपर जिनकी कहनी और कथनी में फर्क है। हम फिर बार बार कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, ये दिल्ली भी नहीं जाएंगे। इन्होंने कहना हमारा कुछ लेना देना जी, मोदी जी फिर इन्हें फिर बोल देते हैं कुछ, फिर ये पीछे हट जाते हैं। सो इश्यूज आर बहुत इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स करनी है बड़े अच्छे से कीजिए। महिलाओं को सफर दिया हमने उसकी प्रशंसा कीजिए, बच्चों को फोन्स दे रहे हैं उसकी प्रशंसा कीजिए, महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन दे रहे हैं, बाकी चीजें अनाउंसमेंट करी है, उन चीजों की प्रशंसा होनी चाहिए। हमेशा यही ना कि तू तू हमको, अगर हमने कुछ निकालना है उसके बीच में से कि गलती निकालनी है। अब इंसान गलतियों का पुतला होता है और उस गलतियों को दुरुस्त करके आगे कामयाब बनता है, तो हम अपनी दुरुस्तियां कर रहे हैं साथ में। चलिए ठीक है प्रीतपाल जी, अब आपकी इसी बात के साथ मैं यही समाप्त करूंगा पंजाब डिबेट को। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, पंजाब डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये मुद्दे बनते हैं या फिर नहीं ये तो पंजाब की जनता ही तय करेगी, लेकिन हाँ विपक्ष ने इसको लेकर के अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और अब देखना ये है कि ये जो नई विंग बनाई गई है ये अवैध माइनिंग पर कितना कारगर काम कर पाती है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सरकारी स्कीमां नूं सुचारू ढंग नाल लागू करन विच सहायता देण लई साबका फौजियां नूं